आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 25, 26 और 29 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एग्जाम में यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में यहां से देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं तीनों सेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे और मेरा वादा है आपसे कि अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो ये तीनों ही सेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 25 के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बात करता है। आप जानते हो कि हमने देखा वेस्टेड इंटरेस्ट में या कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट में जो ट्रांसफरर था वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा था बाय इंपोजिंग अ कंडीशन। तो वो सभी कंडीशंस क्या थे? वैलिड थे। कंडीशनल ट्रांसफर का लिटरल मीनिंग यही है कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो रहा है बाय इंपोजिंग अ कंडीशन। सेक्शन 25 अपने आप में एक्सेप्शंस को होल्ड करता है। ये उन सभी कंडीशंस को इंक्लूड करता है जो कि क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, यानी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। और सेक्शन 25 कहता है कि यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है और सेक्शन 25 में मेंशन किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। क्या कहता है सेक्शन 25? देखो, सेक्शन 25 होल्ड्स एक्सेप्शन इन रिगार्ड्स टू दोज कंडीशंस। ये उन कंडीशंस के बारे में बात करता है जो कि क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, यानी इन सिंपल वर्ड्स यदि जो ट्रांसफरर है वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय यदि सेक्शन 25 में मेंशन कंडीशंस के तहत करता है, जिन कंडीशंस के बारे में अभी हम बात करेंगे, तो सेक्शन 25 में मेंशन कंडीशंस के तहत यदि वो ट्रांसफर करता है तो वो सभी ट्रांसफर्स क्या होंगे, वॉइड एब इनिशियो होंगे, यानी वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग एंड वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। राइट, चलिए अब हम सेक्शन 25 के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 25 कहता है कंडीशनल ट्रांसफर्स बिकम्स वॉइड। वैसे तो कंडीशनल ट्रांसफर्स वैलिड है लेकिन कंडीशनल ट्रांसफर्स वॉइड होंगे इन सभी सिचुएशंस में। कौन कौन से सिचुएशंस हैं? फर्स्ट, इफ ट्रांसफरर ठीक, यदि ट्रांसफरर इंपोज करता है एक कंडीशन विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल इन नेचर है। इफ अ ट्रांसफरर इंपोज अ कंडीशन विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर, दूसरा फॉरबिडन बाय द लॉ, तीसरा फ्रॉडुलेंट एक्ट, जो कंडीशन है वो फ्रॉडुलेंट एक्ट है, या इज ऑफ सच अ नेचर, जो कंडीशन है वो इस नेचर का है दैट इफ परमिटेड, यदि हम अलाउ करते हैं तो इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉज। अब देखो, हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, बिकॉज इसके प्रोविजंस सभी टाइप्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कंडीशन है वो इस नेचर का है कि यदि हम उस कंडीशन को अलाउ करते हैं तो दूसरे लॉज के प्रोविजंस को प्रिवेल कर जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई स्पेशल लॉज है उसमें कोई प्रोविजंस दिया है किसी प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में तो उस स्पेशल लॉ के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ना कि टीपीए के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। करेक्ट, तो ये बात हो गया। पांचवा क्या है, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है कंडीशन, या कंडीशन इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन, ऐसा कंडीशन है जिससे किसी पर्सन को इंजरी हो सकता है या किसी
पर्सन के प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकता है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है और वो जिस कंडीशन पे हो रहा है वो इनमें से किसी एक में है तो वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो ए लेट्स हिज फॉर्म टू बी, ए ने अपना ये जो फार्म लैंड था, ये जो खेत था, ठीक है, इसे बी को ट्रांसफर कर रहा है या बी को ट्रांसफर करता है और एक कंडीशन इंपोज करता है कि बी को जो है 100 miles इन एन आवर, एक घंटे में बी को 100 miles कवर करना है बाय फुट पैदल। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी कंडीशन जो कि क्या है, इम्पॉसिबल इन नेचर है, इट इज वॉइड। ऑलराइट, चलिए दूसरा कंडीशन हम समझ लेते हैं दूसरे एग्जांपल से। मान लो ए ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी बी को, ठीक है, इस कंडीशन पे कि जो बी है उसे सी का मर्डर करना है। नाउ ये जो एक्ट है बी के द्वारा, ये क्या है, फॉरबिडन बाय द लॉ है और ये कंडीशन भी क्या है, फॉरबिडन बाय द लॉ है। तो क्या ये वैलिड है? नो, इट इज नॉट वैलिड, इट इज वॉइड बिकॉज इट हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर? चलिए अब देखो, अगर हम सेक्शन 25 से 34 तक देखें तो ये उन सभी ट्रांसफर्स के बारे में बात करता है जो कि कंडीशन पे बेस्ड है। मेनली जो कंडीशन होता है वो तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कंडीशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट, दूसरा कंडीशन सब्सिक्वेंट और तीसरा कोलेटरल कंडीशन, ठीक। यानी जो कंडीशन इंपोज कर रहा है ट्रांसफर अंडर सेक्शन 25, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट एंड कोलेटरल कंडीशन। सेक्शन 26 कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है और सेक्शन 29 कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बात करता है। चलिए अब हम इन दोनों ही सेक्शन को समझते हैं। देखो सेक्शन 26 फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट का मतलब है कि बिफोर यानी पहले। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उससे पहले कंडीशन को फुलफिल करना होता है और यदि ट्रांसफरी उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है तब तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसफरर के द्वारा। यानी आप कह सकते हो कि कंडीशन टू बी फुलफिल फर्स्ट एंड देन ट्रांसफर ऑफ एंड देन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यानी कंडीशन आपको
पहले फुलफिल करना है, उसके बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. दिस इज कॉल्ड कंडीशन प्रेसिडेंट. नाउ चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो ए ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी बी को बाय पुटिंग अ कंडीशन, एक कंडीशन डालते हुए कि तुम्हें सबसे पहले इसको फुलफिल करना है, और जैसे ही तुम इस कंडीशन को फुलफिल कर लोगे मैं तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा. दिस इज कॉल्ड कंडीशन प्रेसिडेंट. इलस्ट्रेशंस आपके बेयर में है, आप देखो इसे. देखो इसे हम समझते हैं. मान लो ए ट्रांसफर कर रहा है, ए ट्रांसफर्स रुपीज 5000 किसको, बी को, टू बी. ऑन अ कंडीशन एक कंडीशन पे दैट बी जो है बी शैल मैरी, बी को मैरिज करना होगा. बी शैल मैरी विथ कंसेंट ऑफ, किसका कंसेंट लेना है, सी डी ई का कंसेंट लेना है. कह रहा है कि मान लो ए ट्रांसफर करता है 5000 रुपए बी को इस कंडीशन पे कि बी को मैरी करना है, लेकिन किसका कंसेंट लेना है, सी डी ई के कंसेंट के बाद ही बी शादी कर सकता है या बी को शादी करना है. अब मान लो कि ई ई डाइज, ई मर जाता है, और बी क्या करता है, सी और डी का कंसेंट ले लेता है, उसके बाद मैरिज कर लेता है, मैरी कर लेता है, मैरी. नाउ क्या, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसने क्या किया, सी और डी का कंसेंट लिया, तो इसलिए ये क्या है, ये वैलिड है. ऑलराइट. अच्छा अब मानो, अब ये कब इनवैलिड होगा. अब जैसे मान लो ए ने ट्रांसफर किया 5000 रुपीज बी को इस कंडीशन पे कि उसे सी डी और ई का कंसेंट लेना है. अब मान लो बी क्या कर रहा है, बी पहले ही शादी कर ले रहा है और बाद में कंसेंट ले रहा है सी डी और ई का, क्या ये वैलिड होगा, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसे पहले कंडीशन को फुलफिल करना था, वो बाद में कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ऑलराइट. तो ये था आपका कंडीशन प्रेसिडेंट, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफरी को पहले कंडीशन फुलफिल करना होता है, बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है. अब एक केस है, कंडीशन प्रेसिडेंट का केस है, आप चाहो तो लिख सकते हो, एक लैंडमार्क केस है, विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन, विल्किंसन वर्सेस विल्किंसन, ये केस है. इस केस में क्या था, आप लिखो इस केस में क्या था. देखो, इन दिस केस देयर वॉज अ कंडीशन, एक कंडीशन था, देयर वॉज अ कंडीशन, एक कंडीशन डाला गया था, जहां पे एक पार्टी, वेयर वन पार्टी वॉज रिक्वायर्ड टू डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स वॉट, सेपरेट होना, टू डेजर्ट हर हस्बैंड फॉर ट्रांसफर. दिस वॉज हेल्ड by the court as invalid, as it was against public policy. Wilkinson versus Wilkinson केस में क्या था कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा कि तुम अपने हस्बैंड से अलग हो जाओ, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें
ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि क्योंकि इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इमोरल, और ये जो कंडीशन है वो क्या है, इमोरल है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो ये ट्रांसफर क्या होगा, इनवैलिड होगा। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 29 की तरफ। सेक्शन 29 फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशनल सब्सिक्वेंट के बारे में बात करता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन जो कंडीशन है उसे बाद में फुलफिल करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे कंडीशन इज टू बी फुलफिल लेटर ऑन। यहां पे क्या होता है, कंडीशन को हमें बाद में फुलफिल करना होता है। एग्जाम्पल, एक केस लॉ से हम समझते हैं। केस है आपका वेंकट रामा वर्सेस अय्या स्वामी का केस है, 1922। इसमें क्या था, देखो इसमें एक्स को एक पर्सन के मर्डर के अगेंस्ट लाइफ सेंटेंस का पनिशमेंट मिला हुआ था। पोर्ट ब्लेयर की जेल में ये बंद था। इसने एक फील्ड ट्रांसफर किया वाई को, ही ट्रांसफर्ड हिज फील्ड टू वाई बाय इंपोजिंग अ कंडीशन। एक कंडीशन इंपोज करते हुए कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो उसे उसका फील्ड वापस चाहिए वाई से। जब वो पोर्ट ब्लेयर जेल से वापस आता है और डिमांड करता है अपने फील्ड का, जब डिमांड करता है वाई से, तो कोर्ट ये कहता है कि क्योंकि ये कंडीशन सब्सिक्वेंट का केस है तो यहां पे क्या है, वाई जो है इज बाउंड टू रिटर्न द फील्ड टू एक्स। करेक्ट? तो ये आपका सब्सिक्वेंट कंडीशन का केस था, वेंकट रामा वर्सेस अय्या स्वामी 1922। चलिए अब हम तीसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि है कोलेटरल कंडीशन। कोलेटरल कंडीशन देखो, कोलेटरल कंडीशन का मतलब है एक साथ होना, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और कंडीशन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां आप लिखोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कंडीशन टू बी फुलफिल बीइंग डन सब्सिक्वेंटली, एक साथ हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ए इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी, ए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टू बी, बी को, ए इज ट्रांसफरिंग हिज प्रॉपर्टी टू बी बाय इंपोजिंग अ कंडीशन कि तुम इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज होगा उसका तुम यूज करोगे सी के मेंटेनेंस में फॉर 10 इयर्स, 10 सालों तक।
तो यहां पे क्या है, जो मेंटेनेंस वाले कंडीशंस होते हैं वो कोलैटरल कंडीशन के एग्जांपल्स होते हैं। तो यहां पे क्या है कि आप देखो जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का और जो कंडीशन फुलफिल किया जा रहा है बी के द्वारा वो क्या है, वो साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही है। ऑलराइट, तो ये था आपका कोलैटरल कंडीशन। सेक्शन 25, 26, 29 ये तीनों ही सेक्शंस आपस में क्या है, तो रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा और आपने कुछ अच्छा सीखा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।